गुरु प्यार वाले हो, आओ प्यार सहत रल के इन्हां तुकां दा पाठ करिए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सर ना जाना तेरी, सब ते सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, तुद आग अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडे आई, कोई नाम ना जान मेरा। राग बाणी कबीर जीओ की, मोस मोस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई, तनना मुनना सब तजु है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग धागा बाहों बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, होशी मत मेरी जात जुलाह, हर का नाम लहयो मैं लह, कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमारा इनका दाता एक रघुराई, कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमारा इनका दाता एक रघुराई। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र बोध अंदर बहुत ही प्यार नाल भावना नाल हफ्तावारी दीवान दी हाजरी पर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ प्यार सहत गुरदेव पिता जी वालों बख्शी हुई फतेह दे नाल गज वज के इको वारी ही आखन उत्ते सांझ पाओ अते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे शब्द दी विचार करन तो पहला कबीर साहब दे ही दो श्लोकां दी विचार आरंभ करांगे तां कि इस शब्द दी सानू सौखे ढंग नाल समझ आ पा सके। श्लोक आप संगत नू पढ़ के सुनाउण लगा हाँ, स्क्रीन दे उत्ते भी आ जाणगे। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पार गई भूम बेकार, बिन संगत इउं माने होए गई पाठ शार। एक श्लोक, अगला श्लोक कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वैरी जाए।
इन श्लोकों की विचार आरंभ करने तो पहला एक बेनती मैं कर देनी जरूरी समझदा हाँ। गुरु प्यार वालेओ सतगुरां दी बाणी दे जिथे अखरी अर्थ ने उथे सतगुरां दी बाणी दा एक भाव अर्थ है। भाव अर्थ नूं समझण लई अपने कोलों शब्द जोड़ बनाउणे पैंदे ने, अपने कोलों सेंटेंस फिगरे लाइनां बनाउणियां पैंदियां ने। भाव अर्थ नूं अपने अखरां दे विच बयान कीता जांदा है, पर ध्यान यह रखिया जांदा है कि गुरबाणी दे निर्मल सिद्धांत नूं बरकरार रखिया जावे। दूजी गल, सतगुरां दे किसी भी शब्द नूं समझना है ता शब्द नूं समझण लई दो गल्लां दा ध्यान रखना अति जरूरी है। पहला कि असी सुचार बनना है, दूसरा रब एक है। शब्द दे पावर समझण लई इह दो गल्लां जरूरी ने। असी इस शब्द तो सिख्या लैके सच्चार सिख बनना है ते परमात्मा एक है, फिर सानू किसी भी शब्द के अर्थां दे मगालता नहीं लगेगा। सतगुरां दे बाणी दे जिहड़े अखरी अर्थ ने वह करदिआं होइआं मुड़ के भाव अर्थ अपने जीवन ते अपने परिवार ते अपने समाज ते लैके आउणा है। दो श्लोक एक शब्द के विचार तुहाडियां असीसां नाल ते तुहाडी एकाग्रता दे सदका करन दा यतन करांगे। पहला श्लोक है कबीर, निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। जे शब्द विचों सानू कोई सिख्या नहीं मिली इहदा अर्थ है समझाउण वाले विच नुक्स है। गुरबाणी पूरी है, समझाउण वाला अधूरा है। कौम दी बहुत वड्डी एक बदकिस्मती रही है, ईसाई मत दा प्रचारक जे किसी मनुख ने बनना है तो 14 साल का कोर्स है। इस्लाम मत दा भारत अंदर किसी ने प्रचारक बनना सहारनपुर के लागे देवबंद जगह है जिथे 12 साल का कोर्स करा के फिर उन्हों इस्लाम मत का प्रचारक थापिया जाता है। सिख कौम की बदकिस्मती है भी जिन्हें जमीन तो 1.5-2 किठा चोला उच्चा करके पा लिया, सोहनी दस्तार ला के छोटी जी दस्तार सिर पर रख ली, वो दिन चढ़ते पक्का ब्रह्म ज्ञानी। स्कूले गया भावें नहीं गया ये कोई साडा मैटर नहीं है, कोई साडा ये संबंध नहीं है, पर असी ये देख लिया भी ये पक्का ब्रह्म ज्ञानी है, ये को अरदास करा लो ये साडे घर के कार्य सारे ठीक हो जाएंगे। गल चों गल निकल आती है, नवंबर के महीने नागपुर के शब्द की विचार करने लई गुरु नानक पातशाह का आगमन पुर मनाउण लई मैं गया। उत्थे सिखां दी लख तो उपर की गिणती है। गुरु नानक पातशाह के पुरब उत्ते लख बंदा भैन भरा संगत के रूप में एकत्र हो जाते हैं। उन्हां दी एवरेज है कि 70,000 पंडाल विच संगत बहिंदी है। कहन लगे पंजाब तो एक बाबा जी आए ते पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं सी, घरां विच चरण पवा के मतावां बाबा जी नूं कहिंदियां सी बाबा जी इस पेन नूं हाथ ला लिओ साडा बच्चा इम्तिहान देण चलिया, तुसीं हिसाब लो फिर साडी कौम का हाल की होएगा।
हुण साडी कौम दा हाल ये है 18 लाख बच्चा प्राइमरी स्कूल दे विच भर्ती हुंदा हर साल अप्रैल दे महीने 10+2 दे विच साडे बच्चे एग्जाम दे रहे ने 352,832 मार्च 2011 दी जिहड़ी प्रीख्या होई है ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ 14.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10+2 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਦਲ, ਬੂੰਦ ਕੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, पर गई भूमि बेकार। बहुती संगत का पिछोकड़ पेंडू होगा, तो पिंडा में एक जमीन सी करलाठी, करलाठी जमीन में जो मीह पैंदा सी ते उस मीह का कोई लाभ नहीं, क्योंकि करलाठी जमीन में छोरा इस ढोन करके जेड़ा बीज पावांगे वह सड़ जाता है। अजकल पंजाब विच कलर नहीं रहा, कलर वाली जमीन दे विच मीह पै गया, जमीन बेकार सी, बूंदा पवित्र सी, मीह बड़ा वधिया पिया, पर वो बूंदा किसी भी काम ना आईया, पर गई भूम बेकार। बिन संगत इउं मन नहीं, बिन संगत, संगत कितने मिलनी सी, किसान दी उहदे हड़ दी, किसान दी उन्हां बूंदां नूं हड़ होण दी संगत ना मिली, वह बूंदा की हो गई, होए गई पठ शाल, पानी दीआं बूंदां पठ दी सवाह हो गई। हुण तुसीं देखो इह उपदेश साडे ते लागू हुंदा है, पानी दी बूंदा सवाह हो गई, पठ शार, पठ मैने पठी, शार मैने सवाह। तुसी ख्याल करियो चुल्हिआं दी सवाह भी कम आउंदी है, करेलिआं दीआं वल्लां दे भिंडियां तोरियां दे गंढिआं दे आपां पिंडां 'च पाउंदे रहे हां अप्रैल चेत विसाख दे महीने विच, जिस चुंबे दे ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂੰਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਉਹ ਪੱਠੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਡੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਲਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਏ ਗਈ ਪੱਠਸ਼ਾਰ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, निर्मल पवित्र बूंद बरसात आकाश, आकाश च आउंदी है ना, निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए। ख्याल करियो जदों बदल दे विच्चों बूंदा आउंदियां ने वो बूंदा पवित्र ने, साफ ने। तुहानूं अज तो 50 साल पहला पंजाब की धरती दे रहण दा मौका बनिया होएगा, आपां पिंडों दूसरे पिंड हाई स्कूल पढ़न वास्ते जांदे सी, रस्ते विच बरसात आ जाणी, आपां पिप्पल दे दरख्त थले, टाली थले, धरेक थले खड़े हो जाणा कि मीह तो थोड़ा बचाव हो सके। पिपल दे टाली दे दरख्त दे पत्तियां दे गर्द जमी हुंदी सी,
जो बूंदा ने उन्हें पत्तियां ते डिगना ते पत्तियां दी गर्द नाल मिल जानी वो गर्द वाले फिर बूंदा जिहड़ियां सी कपड़िया दे पैणियां दे कपड़िया दे धब्बे लग जांदे सी। बूंद पवित्र है पर उन्हूं थले आउण तक गर्द मिल गई ते जिहड़ी बूंद आ वो गर्द वर्गी हो गई, साफ बूंद सी, बूंद गलील च हो गई, गंदी हो गई। अगली तुक विच कबीर साहब जी समझा रहे ने, कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए जमीन, ये वो जमीन है जिहड़ी उपजाऊ जमीन है। मलेशिया की जिहड़ी धरती है ना ये बड़ी उपजाऊ है, चार शफेरे हरियावल है, मैनू लगभग 34 मुल्कां विच जाण दा शब्दी विचार करन दा मौका बनिया। सच है कि बड़ी तारीफ है, इथों दा फल बड़ा प्यारा है, इथों दी हरियावल बड़ी प्यारी है, जमीन उपजाऊ है। उपजाऊ जमीन विच 15 मिंट मीह पिया, किसान ने उच हाल फेरिया, जमीन वरत रहा है। किसान अपने बच्चों को कहता बेटा जाओ देख के आओ जमीन वरतर आ गई। वड्डा काका जमीन देखने वास्ते गया तो आ के कहता भी पिता जी कल सवेर तक उच हाल वाया जा सकता है। पिता ने 1000 रुपया दिता छोटे बच्चे को, बेटा ट्रैक्टर में डीजल पवा लिया, ट्रैक्टर तैयार किया, जमीन वत्तर आई, उन्हां बूंदा नूं ट्रैक्टर की संगत मिल गई। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए हड़वाया, दो रुपाई उत्ते सुहागा फेर दिता, बूंद मिक्स हो गई। अनक सियाने अनेक सियाने पुरश पच गए, हार गए। वो किसान जिन्हें वत्र संभालिया वो पिंड की पंचायत में एकत्र करे, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चो चंगे चंगे विज्ञानी लिया भी उस खेत के किनारे खड़ा करके सारे लोगों को ये आखे भी जिने पैसे चाहो मैं खर्च कर देंगा, जेड़ा 3 दिन पहला मीह पिया सी वो मैनू इस जमीन नालों वखरा कर दियो। अनक सियाने पच गए ना नरवैरी जाए, वो बूंदा जमीन नालों वखरिया नहीं कीतियां जा सकदियां। अनक सियाने साइंटिस्ट भी लै आओ, खेती विज्ञानी लै आओ, पुराने बुजुर्ग लै आओ जिन्हां नूं मीह दा जमीन दा बड़ा तजुर्बा है, पर वो कदे भी बूंदा जमीन नालों वखरियां नहीं कीतियां जा सकदियां। गुरु प्यार वाले ये दो श्लोकां दे अर्थ कीते ने मैं अखरी, हुण इहदा कीर्तन भी होया, कथा भी हो गई, अखंड पाठ भी हो गए, सानू सिक्ख्या की मिली। बार तुहाडे कल किन्नी बरसात आई, परसों बुधवार को इन्नी बरसात आई, कथा तो सीधा घंटा ही लेट हो गए। हुण बार बरसात पै रही है भी अंदर भाई साहब कीर्तन करी जाने भी बूंदो तुसीं जमीन ते पै रही बड़िया भागा वाली को है सेंस बनती, साडी साइकी की बन गई है। आ तुहाडे मुल्क के अंदर ग्रीन लाइट रैड लाइट सिग्नल ने रोड के उत्ते, तुसी रैड लाइट नू पार कर जाओ ते तुहानू पुलिस मैन देख लवे, किन्नी टिकट मिलती है जी, किन्ने डाले टिकट है, 300 डाले की, ते 300 डाले की टिकट मिलती है जी, 300 डाले का अर्थ है 7,500 रुपया, तो जान निकल जाती 7,500 का ना सुनिया। कदे भी
रेड लाइट आए तो बंदा कंब जाता भी मैं गड्डी रोका इत्थे, ठीक है ना। अमेरिका विच लाइसेंस के नंबर कट्टे जाते हैं। धन गुरु ते धन गुरु के सिख नेता प्रति अरदास करने सर्ग सच्चे पातशाह भुलां की खिमा बख्श करनी अगां बाणी शुद्ध पढ़न का बल बख्श करना। कदे सीखण का यतन किया किसी ने? कदे किसी ने नितनेम सीखण का यतन किया? इहदा अर्थ है तकिया कलाम बन चुका साडा तकिया कलाम। नेता प्रति सिरे उठते जप पढ़िया कई बारी तो ना जपजी साहब ने ना धक्का करते हैं बंदा बाथरूम च वटदा कप पानी का उत्ते पिंड दे पाउंदा एक मकार सतनाम करता बन साबण लाया सुने सत पे सरनाम सुने धरता रका मुड़ के फिर सब पाया मन के कह न जाए पंज पुराण पंज प्रधान कशहरा न जोड़ते बंदा बाहर जिन्नी नाम ते आया चाह बन गई कि नहीं बन गई मैं जल्दी लेट बड़ा हो गया हाँ अरदास कर दी महाराज भुलना दिखा बख्शिश कर दी इदा ही पढ़ पढ़ रहे। फिर एक अड़ावा ला रहे हैं आम तुम देख लो गुरु प्यार वाले हो गुरु नानक नाल गल्लां करदियां ने आसा की वार आ गुरु नानक पातशाह नाल गल्लां करदियां ने सी 500 साल पहले जिहड़ियां उन्होंने गल्लां कीतियां ने वो अज भी गल्लां साडे पास ने उपदेशां भी साडे पास है। सारी जिंदगी जे सिख मंगलाचरण पहले श्लोक न पहलियां चार तुकां समझ लवे जब बाणी समझ आ जाएगी। मैं बंगला साहब तो पिछे बेनती की शायद तुसां सुनी होगी नवे नवे एक्सपीरियंस हो रहे हैं सिख कौम के अंदर नवे नवे। पहला हर सिख स्याही पाठ पढ़ता सी यह ख्याल लगा दिन तुहानू मेरी उम्र दे वीरां नू पता है पुराने समय अंदर पिंड दे ग्रंथी सिंह ने शाम नू घर विच प्रशादा छकण जाना जां घर विच किसे वड्डे वडेरे ने जां गवांढ दे वड्डे वडेरे ने आण के एक तुक दस जानी ते आम मतावां वीरां विच इक भावना सी वी भैणा घटो घट जपजी साहब दियां पंज पौड़ियां चेते कर लईए साडियां पुराणियां दादियां नूं पुराणियां नानियां नूं नानियां नूं घटो घट पंज पंज पौड़ियां जबानी चेते सी अज इक रवाज बन गया अखंड पाठ साहब रखिया ते ज्यों ही भाई साहब ने कहा ना बुरा एक दे बुझाई सब नादियां का एक दाता सो मैं सरना जाए उठ के तुर पैनी हाँ फिर वेख रहे गुरु साहब कालर तो नहीं फट दे बह जा सारा जमी सुन के नहीं फिर फटाफट तुर दे कि गुरु साहब एक कालर ना फड़ लैन मुड़ गए भी सारा जमी सुन के जाई इन्नी काल है सन तो गुरबाणी समझी ये तीन स्टेजा ने पहला गुरबाणी पढ़नी जां सुननी दूसरा है विचार करनी ते तीसरा है उहदे ते अमल करना फिर ही सच्चार बणांगे। पर सानू तकनीक ही दित्ती गई सानू तकनीक ये दित्ती गई पहला संगत सहज पाठ पढ़दी सी रल के तुहानूं पता भी मलाया दे विच एक गुरद्वारे विच तीन तीन प्रकाश हुंदे सी मलाया ने अजे भी कई परंपरावां कायम रखियां ने इहदा की कारण सी? इहदा कारण सी कि हर गुरद्वारे आउण वाला मुख वाक लैंदा सी ते जां अपना सहज पाठ पढ़दा सी इन्ने कमरे नहीं सी उदों हुंदे प्रकाश इकट्ठे कर लैणे कि जिहड़ी भी संगत आउंदी आ उह मुख वाक लै के जावे अपना सहज पाठ जारी रखी। ये मलाया की एक परंपरा रही है मलाया की यात्रा एस एस अमोल ने लिखी है जिहड़ी ज्ञानी विच भी लगी रही है लंबा समा शायद किसी ने पढ़ी होवे। तो अजकल तो साढ़े कोल भाई समा नहीं है नवीं नवीं घड़ौतां साढ़े विच आ रही ने कहा जाता भी सारा अखंड पाठ पढ़न की लोड़ कोई नहीं टाइम बड़ा लगता जपजी सुखमनी साहब के इन्ने पाठ पढ़ लो तो अखंड पाठ का महात्म मिल जाऊ
नवी पिरत पै गई। पहला पिंड घर खंड पाठ साहब होंदा सी, रात नूं गलियां साफ करनियां, सारा नगर सुनने वास्ते जांदा सी। अजकल असी सोच लिया भी काल आ, तुसी भी सोच लिया भी काल आ, असी भी सोच लिया भी तिना दिन बाद जिहड़ी भेटा मिलनियां घंटे च मिल जाएगी। सुखनी साहब पाठ आ गया ना कि यार सानूं तिना दिन बाद भेटा देनी सी, तुसी तिना दिन बाद वेले होना सी, हुण खंड पाठ भी सहज पाठ भी रह गया, हुण रह गया सुखनी दा पाठ, तुसी भी सौखे असी भी सौखे। फिर सुखनी साहब तो बाद आ गया भी ये भी लंबा काम आ। फिर आ गया भी तुसी ना जप बाणी जपजी साहब दे पाठ पढ़ लो, इन्ने पाठ पढ़ लो कि तुहानूं अखंड पाठ का महात्म मिल जाऊ। किसी सोचा भी औखा काम आ। फिर कहन लगे भी आ मूल मंत्र दे पाठ इन्ने कर लोगे ना तो अखंड पाठ का महात्म मिल जाऊ। हुण बाणी पढ़नी छड़ी, सुखनी छड़िया, जपजी साहब छड़ी, मूल मंत्र छड़िया, हुण इह कहा जांदा भी ढाई तीन घंटे वाहिगुरू कर लो तुहानूं सारी बाणी का फल मिल जाऊ। हौली हौली असीं बाणी पढ़नी विचारनी छड़दे जा रहे हैं, ईवन गुरद्वारे विच बैठ के भी पढ़नी छड़दे जा रहे हैं। जे पंजाब की धरती तों रागी सिंह आए ने, उन्हां दा काम है कीर्तन करना, कथावाचक का काम है शब्द विचार करनी। जे स्टेज पर बैठ के गुरबाणी कीर्तन छड़ के कहन वाहिगुरू तुसीं आखो वाहिगुरू, ये काम असीं घर नहीं कर सकते, तुरे आउंदे नहीं कर सकते, किन्ना औखा काम है। खैर गुरबाणी दे जिथे अखरी अर्थ है सतगुरां दी बाणी दा उत्थे भाव अर्थ है। हुण मैं दो श्लोकां दी अखरी अर्थ कीते, हुण मैं भाव अर्थ वल वधण लगा, क्योंकि बाणी नूं समझण लई पहिलां भूंगा बांधने टाइम लग जांदा है। कबीर निर्मल गूंद आकाश की, हुण देखो ना वाक आउंदा रसना ना जपे नाम तिल तिल कर कटिए, ये अखरी अर्थ बनते हो जबान तिल तिल करके कट दे, जिहड़ी रब का नाम नहीं जपती ते कदी कदी जबान कटी है, फिर भाव अर्थ ही लगाए ना। आप बहुत सारे इदां दे प्रमाण ने जिहड़े साडी समझ विच आ सकदे ने। कबीर निर्मल बूंद, निर्मल की है परमात्मा, बूंद की है आत्मा, कहो कबीर यह राम की अंश, पर गई भूम विकास। वो आत्मा किहड़े मापिआं दे कोले आई जिहड़े विकार दे सी, जिन्हां मापिआं अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी, ये शब्द साढ़े लागू हुंदा। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार। व्याह हो गया, गृहस्थ दे धारनी हो गए, बच्चियां ने जन्म लै लिया, बच्चियां ने जन्म तो लै लिया, साढ़े को आ गए, पर जी जमीन विकार की सी। पंजाब की धरती दे बहुत सारिया मातावान बच्चियां नूं जन्म दिता है, पर नौकरी भी कर रही ने। मैं नौकरी के विरोध में नहीं है, पर कनेडा अमेरिका इंग्लैंड वाले ने 12 साल तक बच्चे इकल्या घर नहीं छड्या जा सकता, हो सकता इतने भी कानून हो, 12 साल तक बच्चे के कोल कोई ना कोई रहना चाहिए। पंजाब की धरती दे सर्वे किए ने, बहुत सारिया मातावान ने सवेरे ड्यूटी दे जान बच्चियां दे केस संभालण हथों ही कटा दिते जा केस कटाया। आत्मा पवित्र है, पर गई भूम विकार। बच्चे उन्हां मापिआं कोले आए जिन्हां मापिआं ने बच्चियां नूं संभालिया नहीं। गुस्सा ना करिओ, ये गल्लां सारियां गुरद्वारे च होनियां चाहीदियां सी, जिहड़ियां होईयां नहीं। मेरी उम्र दियां वीरां भैणां नूं पता है, सानू दादी भूआ गुरद्वारे लै के जांदी सी,
तो गुरुद्वारे बिठाया उदों सांझे तौर पर बैठे बैठा जाता सी। इदां दी मैट नहीं सी हुंदी, पराली थले विछाई हुंदी सी। अज असीं बच्चे गुरुद्वारिआं च लै के आउंदे आ ना, ते कदे कोल नहीं बिठाउंदे, खुल खेड लैंदे आ, खेडो सांझा थां, जिथे मर्जी आ पाणी रोड़ो, जिथे मर्जी आ नैपकिन रोड़ो, सुट दिओ, जिन्ना गंद पैंदा पा लो, भाई साहब आपे चुकदे रहणगे। ख्याल करिओ, गुरुद्वारे हाल नूं प्लेग्राउंड बनाया हुंदा है। कदे माँ नहीं कहिंदी पुत बैठ मेरे कोल कीर्तन सुन, जे अंदर बैठ जावे न्याणे बाहर भजे फिरनगे। असीं संसीयर नहीं है, पर गए भूम बेकार। बच्चा कहिंदा माँ मैनू पैन चाहिए, पुत दो लै लै। माँ मैनू जीन की पेंट चाहिए है, पुत दो लै लै। ये बच्चे नाल प्यार नहीं हैगा, वो लोड़ पूरी कीती है। प्यार का अर्थ की है, लव का अर्थ की है? प्यार का अर्थ है TIME, टाइम। असी बच्चियां नूं टाइम किन्ना दे रहे हैं? असी तां बच्चियां नाल बैठ के कदे प्रशादा भी नहीं सांझा कीता। क्यों नहीं कीता? सीरियल लंघदा जांदा है, सीरियल। कई दफ़ा तो इन्नी उलझन होती है, बंदा सीरियल देख रहा होता, रोटी खा रहा होता, मूँह की जगह कन्न मुर्गी दान गोरी आ रहा होता। देख लियो कभी, इन्ने असी सीरियल दे विच खप गए, खुब गए। जिन्हों जन्म दिता आ उहदे कोल बैठ के रोटी भी नहीं खा रही, तू भज के आपे फड़ दे रोटी। बच्चों को टाइम नहीं दे सके, पर गए भूम बेकार। उन्हां मापिआं दे कोले बच्चों ने जन्म लिया है, जिन्हां ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। बीबी सुरेंद्र कौर ने बड़ी प्यारी पुस्तक लिखी है, बच्चों की, बच्चों की साइकी बारे लिखे है। बच्चा जो स्कूल जो घर आउंदा है, अगे माँ ना मिले, बच्चे का मानसिक विकास रुकता है। दिमाग चो कैमिकल पैदा होंदे ने, सारे शरीर का सिस्टम जिहड़ा बिगाड़ देंदे ने। इसलिए बच्चे नूं मां दिसनी चाहीदी है। कवि निर्मल, बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बिन संगत, नुकता समझियो, बिन संगत, संगत कि मिलनी चाहिए। बच्चों गुरबाणी नाल जोड़न लई सब तो पहला नुकता है कीर्तन का। गुरुद्वारे च संगीत दियां क्लासां लगन, आ प्यारियां बच्चियां ने कीर्तन बड़ा प्यारा कीता है। बिन संगत, संगत मिलनी सी गुरुद्वारे, गुरुद्वारे च लगदियां क्लासां, गुरुद्वारे विच स्टीक हुंदे, गुरुद्वारे च पोथियां हुंदियां, किसा नाटककार जो होवे गुरुद्वारा साहब वालों प्रोफेसर साहब सिंह स्टीक दिता जाए। हुण रवाज नहीं रहा, हुण रवाज आ गया सरोपियां दा, किसदा बजुर्ग चढ़ाई करदे ना, ते गुरुद्वारे आण के वो भोग पवावे, लंगर लवावे, ते प्रबंधक उहनूं वी सरोपा दे आणगे। मैं कहा यह कि खुशी वे जी, कहिंदे शुगर साडी गोलक वध गई। मैं कहा तुसीं स्ताक च बैठे वी तुहाडा बजुर्ग चढ़ाई करे ते गोलक वधे साडी। जदों इह भावना आ जावे सरोपियां दी, ते गुरु प्यार वाले विकास होएगा कौम दा। हाँ, जे परिवार को कि पोथियों का सट दिता जाता, वो घर जाके पढ़ते, विचार करते। बिन संगत यो मन नहीं होए गई पटछार, पठरी सवाह है, उडदी है। असी बच्चियां नूं संगत बिठाउंदे नहीं, भजदे आ, टपदे आ, समान तोड़दे आ। तोड़ लो कोई नहीं, संगत का ही है, गुरुद्वारे का ही है। कदे कोई रोकेगा नहीं, जे कोई रोकण का यतन भी करे मावां गुस्सा करदियां ने। ख्याल करिओ, साडा युग सी, साडे युग के अंदर ताया भी घूर दे रहे, बाप की हिम्मत नहीं सी पैंदी। संगत में पिंडां दे पुराने बजुर्ग बच्चों नूं घूरदे सी, किसी की युरत नहीं सी पैंदी। अज गुरु प्यारे हो, जिन्हां नूं संगत ने प्रबंधक चुनिया आ, वो किसी बच्चे नूं प्यार नाल भी कह देण ना, ते मावां फट पा निशान साहब दे खड़ियां हो के, इधर आ जरा तेरे नाल गल करिए। होए गई पटछार, वो बच्चे पठरी सवाह वांग उठते फिरते, कदे किस दा पेन चुक लिया, कदे कि सीट दी उत्तों कपड़े पाड़ दिता। पटछार, पठी सवाह, क्यों?
उन्हां मापियां दे कोले बच्चियां जन्म लिया है जिन्हां मापियां ने अपने फर्ज नहीं समझे। घबरायो ना, अगले श्लोक च चंगिया मापियां दी तारीफ भी कीती है। अगला श्लोक लो, कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीली पूम मिलाए। बच्चे ने जन्म लिया, मापिया ने अपनिया खजल खुआरियां घटा दित्तियां, रिश्तेदारियां घटा दित्तियां, बच्चियां नूं मुकम्मल टाइम दिता। ख्याल करियो, बच्चे नूं स्कूले छड़ के आना, बच्चे नूं स्कूलों लै के आना कम 20 मिंटां दा, पर 8 घंटे की मुकम्मल जॉब है। यह मुकम्मल जॉब है। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, मापिया ने बच्चों वल ध्यान दिता है। मैं पिछे विचार दिता सी, हो सकता किसी नैट दे भी कथा विच पिया होया होवे। 9 साल पहला लुधियाने शहर विच एक 7वीं जमात च बच्चा पढ़ता सी, उहदे दोस्त 9वीं जमात च पढ़ते सी, इकट्ठे 3-व्हीलर विच जांदे सी। 7वीं जमात वाले भोले बच्चे ने 3-व्हीलर विच बैठिया गल कीती, असी मकान 7 लाख का बेच दिता है, असी पक्के तौर पर यूके जा रहे हाँ। 9वीं जमात के कुछ मुंडे सियाने से शरारती सी, उन्होंने दिमाग में पता नहीं की आया, उन्होंने बच्चे को चुक लिया स्कूलों, वो यार थान दे लै गए, तो जाके पीसी तो टैलीफोन किया, सानू पैसे दे तो तुहाडा मुंडा मार देंगे। मुंडे घबरा गए, 9वीं जमात में पढ़ने वाले ने 7वीं जमात में इकला कला मापिया का मुंडा मार दिता। उन्होंने SSP लुधियाने ने एक सैमीनार लवाया बच्चों के उत्ते, 3 बुला रहे थे, एक दास बुला रहा सी, 2 होर सी। उत्थे सैमीनार दे विच एक तत् साढ़े सामने बड़ा प्यारा आया, वो कहिंदे ने बच्चे का बैग, बच्चे दियां किताबां मां चैक करे, जरूरी नहीं है बच्चे नूं ताड़ना आ, अखां दे नाल दिमाग नाल बच्चे नूं वाच करे, किन्ने बजे उठता है, बाथरूम च किन्ना टाइम लाउंदा है, इहदी जेब च पेपर किहो जिहे ने, इहदी सोसाइटी किहो जिही। उस सैमीनार दे विच इह वी तत् साडे सामने आया कि अज इंटरनैट का युग है, बच्चों के कंप्यूटर रसोई कोले होने चाहिए आ, मां लंघदी आउंदी बच्चे नूं चैक कर लवे बच्चा की देखदा है। इंटरनैट के उत्ते सारा कुछ साढ़े योग नहीं हैगा, गलीच भी बहुत है। तो मापिया ने समा दिता, निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, मापिया ने आप प्रशादा तैयार करके दिता है। यह नहीं कहा भी रोटी पकाउण उत्थों जा बर्गर ही खाया नबेड़ काम। कभी निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, मापिया ने गुरद्वारे विच बच्चियां नूं क्लास च लिआंदा है, जिम च लै के गए ने, तबला सिखाया, संगीत सिखाया, गुरबाणी कीर्तन सिखाया, संथ्या दित्ती है, इहनूं कहिंदे ने बच्चियां नूं मिलाउणा। निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने, अनक सियाने की है, चोरी, विकार, काम, क्रोध, ईरखा, अनक सियाने बच गए, ना कर वैरी जाए। फिर उस बच्चे ते दुनिया का कोई भी विकार असर नहीं पा सकता, तो उस बच्चे नूं गुरबाणी नाल जुदा नहीं किया जा सकता। जदों चंगे मापे, प्रबंधकी ढांचा, संगत मिल गई, ये 3 चीज़ां तालमेल है, मापे, बच्चे ते साडे प्रबंधकी ढांचे दी, बच्चियां वास्ते ये कीते हुए काम अलग सियाने पच गए, फिर संसार का कोई भी विकार साढ़े बच्चों उत्ते असर नहीं पा सकता। इंग्लैंड दे विच
एक परिवार विच जाण दा मौका बनिया। सरदार साहब कहण लगे भाई साहब एक दो तीन ये मेरे मकान ने, मैं बड़ी खुशी होए बधाइयां तुहानूं। जदों ना पुराने जमाने विच बच्चे का जन्म होना नूह घर आनी मकान लैना लोगों ने कहना जी वधायो, अगला अगों बंदा की कहता सी तुसी भी वधो जी, वधायो का अर्थ है तुहाडे परिवार विच वाधा होया है। अगला बंदा कहता जी तुहाडे घर भी वाधा हो गए, ठीक है ना। अजकल नहीं आप कहते वधाई जी वधायो जी, कहता थैंक यू, यह नहीं कहता भी तू भी वध ना, बंदा सड़ बन के कोला ही हो जाता है। वधाई जी थैंक यू जी कदे नहीं कहेगा जी तू भी वध। मैं कह जी वधाई होवे तुहानूं तीन मकान है, रोण लग पिया। मैं कह भी वधाई दित्ती है रोण वाली कि गल है, कहिंदा भी भाई साहब मेरे तीन मुंडे सी। मैं कह फिर कहिंदा मैं इंग्लैंड आया कोलियां वाली भट्टी दे काम करदा रहा, आ लत्तां मेरियां अगों सड़ गईयां ने वेखो चमड़ी सड़ी हुई है। मैं 16 घंटे दो शिफ्टां लाउंदा रहा, बच्चों पढ़ाया, बच्चे वड्डे होए ते दो ने मेमां विआह लईआं ने, ये मकान छड्ड के चले गए, डैड बाय बाय, सानू कौंसल दा घर मिल गया। आउण ख्याल करियो जदों दो बंदे मिलदे सी ना आपां कहिंदे सी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ठीक है। पुराने जमाने अंदर बच्चियां मत्था टेकना, बेबे मत्था टेकना, पुत जिउंदा रहो वड्डियां होवन, हैं आ हुण ते ना फतेह रही है, ना मत्थे रहे, ना सत श्री अकाल, ना अंग्रेज रहे, ना पंजाबी रहे। मैं पंजाब की धरती की गल करना, न्याणा 3 व्हीलर विच हुंदा, पहला बाय बाय कहिंदे हुंदे सी, फिर ठीक है ना, फिर कहना टाटा, ठीक है ना। हुण लड़की कॉलेज जा रही है, मम गेट खलोती है, ना सासरी ना फतेह ना मत्था टेकना, की कहणगे हाय ओए हाय। दसो जिस घर में हाय हाय हो गई है उत्थे बरकत कित्थों आएगी, कदे वेल मम हाय मम हाय बरकत कित्थे रह जाणगी। जो घर हाय हाय आ गया आ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह उड़ गई तो गुरु प्यार वाले बरकत आएगी कित्थों। इस वास्ते गुरु प्यार वाले वो कहता भी वड्डा मुंडा कहता भी डैड बाए, पिता जी कहने लग भावना बनती है। देखो भूआ मां जी मासी मां नूं आखो दो वार मां मां मामा बनता है ना, प्यार पंजाबी रहे ना असी अंग्रेज रहे, सांझा ना रख लिया अंक लभ लो ताया गेड़ा ले फुफड़ गेड़ा जी, भूआ ना रही मासी ना रही मामी आंटी शब्द लभ लें, भूआ कितने बैठी है मासी कितने बैठी है, साड़ी भावना कितने लगी है। तो मैं क्या भी गुरु प्यार वाले वो कहता वड्डा मुंडा था छोटा भी मेहमान ब्याह गए, वो कहते डैड बाय बाय जी करूँ टैलीफोन करनी तेन मिल जाएगा नहीं या तू मिल जाएगा नहीं, पर वैसे साड़ी जिंदगी दखलदासी ना कर। कहिंदा छोटा मुंडा वड्डा हो गया ब्याह ही नहीं करवाउंदा, तिन्ने मकान खाली पए आ, तो मैं नुक्स कित्थे आ, कहिंदा नुक्स मेरे विच। कहिंदा मैं जिस औलाद वास्ते 16 घंटे काम कीता मकान बना के देंगा मकान बैठे नहीं, मैं इन्हां नूं समां दित्ता हुंदा तो मकान आप बनाउंदे तां पता लगना सी। गुरु प्यारिओ बच्चियां नूं चंगा बनाइए आपे मकान बना लैणगे, बच्चों मकान देने दे, पले पै गए इस पासे पै गए बच्चे बनिया में गवा देंगे। तो इस वास्ते कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए अनक सियाने पच गए ना निरवैरी जाए, गुरद्वारे अंदर बच्चे बैठ गए संगत मिल गई तो समाज का कोई विकार ये उत्ते असर नहीं पा सकता। ये ता ही हो सकता जे गुरु की मत असी गुरु के कोलों लैण का यत्न करांगे। ये गुरु की मत सानू कित्थों मिलनी है, ये कबीर साहब का अगला शब्द जिहड़ा है वो विचार का यत्न करिए। शब्द है मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारुक कैसे जीवै रघुराई। पहले दो श्लोकां दे असी अखरी अर्थ भी किए हैं तो भाव अर्थ भी किए हैं, भाव समझाने वास्ते समाज दियाँ कुछ उदाहरण भी दिखाई ने,
ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲ 'ਚੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਧਰਤੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਰੋਇਆ ਅੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਕੋ, ਠਹਿਰੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੁਸਕ ਡੁਸਕ ਕੇ, ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਘੁਰਾਈ। ਕਬੀਰਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਨਨਾ ਬੁਨਣਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਬੁਣਨਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਰੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਣੀ ਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੇਸ ਰੇਜੇ ਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਣਾ ਬੁਣਨਾ, ਤਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣਨਾ, ਪੇਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਭ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ, ਜਪ ਲੱਗ ਧਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਤਪ ਲੱਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਤਾਣੀ ਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਤਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਲਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਲਾਹਾ ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਨਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ, ਜਪ ਲੱਗ ਧਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਤਪ ਲੱਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਹਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ
फिर सानू सारे आई तो बाद किरत करनी छड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। फिर सारे नाम जपन लग पीए तो किस तरह कौन देगा भी, फिर ख्याल कर लो। उन्होंने गुरु नानक पातशाह शब्द बड़ा प्यारा लगे, गुरु नानक साहब का आदर्श की है, गुरु नानक पातशाह का सिद्धांत है, आदर्श है, काल खाए किछ हथों दे नानक रहा पछाने से, गुरु नानक पातशाह का यह सिद्धांत है। पर अर्थ मैं ये कर रहे हैं कि किरत छड़ दो, गुरबाणी का सिद्धांत है भी काल खाए किछ हथों दे, फिर यदा अर्थ यह है इस पावन शब्द का उपदेश कुछ होर है जिहड़ा साडी समझ विच नहीं आया। गुरबाणी दो माध्यम दे विच है, एक वार्तक विच है, एक पोएट्री विच है, प्रेज पोएट्री। जिन्नी वार्तक है सरलेख ने, मंगलाचरण वार्तक विच ने, बाकी सारी गुरबाणी पोएट्री विच है। पोएट्री दे जिथे अखरी अर्थ नहीं उत्थे भाव अर्थ है, वो भाव अर्थ साडा जीवन बनाउंदा है, सचार बनदे है। हुण पहला रहाउ दीआं तुकां लईए, हर का नाम लिख लियो शरीर, तुकां तुहाडे सामने है। शरीर दे उत्ते अर्थ की है, बांह दे वाहिगुरू लिखा लईए, कईआं ने ओम लिखाया हुंदा, कईआं राम लिखाया, कईआं हाथे एक ओंकार लिखाया। हुण गुरबाणी जिहड़ा उपदेश दे रही है कि हर का नाम रब का नाम लिख लियो शरीर, मैं अपने शरीर के उत्ते रब का नाम लिख लवां, जाने पक्के मार्कर दे नाल लिख लवां, मत्थे उत्ते वाहिगुरू लिख लवां, राम लिख लवां, तो कि हुई है ना तुहाडे सामने, हर का नाम लिख लियो शरीर। हुण गुरु प्यार वालिओ इहदा भाव अर्थ लवांगे, शरीर की है, शरीर दे नाल ने ज्ञान इंद्री, शरीर दे नाल है अखां, शरीर दे नाल है कन, शरीर दे नाल है जबान, शरीर दे नाल है हाथ। मैं इन्हां अखां दे रब का नाम लिख लिया, मैं कन्ना दे रब का नाम लिख लिया, हर ए नेत्रो मेरे हो, हर तो मैं जो तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। माफ करियो तुहाडे कोल थोड़ी खुल लै के एक गल लगा कर, आ जिहड़ी लोक गायकी आई है ना, इन्हें भैन भरावां दे रिश्ते नूं भी लीरो लीर कीता है। माफ करियो जिहड़ी लोक गायकी आई है, हुण लोक गायकी गा रहे ने सामने चबारे वाली है, ये लोक गायकी तां इह सिद्ध करदी है भी शायद पंजाब दी हर धी ते हर मुंडा जिहड़ा भी इह आशकी ने, ये सारे मिर्जा साहबा बने हुए है। माफ करियो मेरे पिंड विच मेरा सामने चबारा मेरे सगे ताए दा है, जे अखां दे नां लिखिया होएगा ते पुराने जमाने अंदर वो धी भैन बस सफ़र करदी सी ना, ते बजुर्ग उठ के सिर ते प्यार देंदे सी बस विच जां टांगे दे, तूं फलानी दी धी नहीं मेरी धी है, भी धीए तूं किराया नहीं देना। अज इह भावना है, हर का नाम लिख लियो शरीर, मैं अखां दे नां लिख लिया, मैं कन्ना विच रब का नां लिख लिया, ये सरनो मेरे हो साचे सोने नो पठाए, मैं हत्थां दे नाम लिख लिया है, लंगर दे भांडे साफ करने, मैं पैरां दे नां लिख लिया, ठेके वल नूं नहीं जा रहा, मैं गुरुद्वारे वल नूं आ रहा। हर का नाम लिख लियो शरीर, जदों मेरे शरीर दे उत्ते ना लिखिया गया, अखां पराया रूप ने देखणगियां, कन्न पराई निंदिया ने सुनणगे, अपनी उस्तक ने सुनणगे, कन्ना दा कन दो काम बड़ा प्यारा लगता कन्ना नूं, कि गवांढियां दी निंदिया सुनदा, अपनी उस्तक सुनदा। तुसीं देख लियो बंदा चढ़ाई कर गया जां आनंद कार्ज हुंदा, असीं 15-10-7 बंदे इकट्ठे करके लियाउंदे हां, आ गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच साडी तारीफ कर, भावें सारी ठेके की शराब मकाउण तक बंदा गया होया होवे, इत्थे स्टेज ते आण के गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले गए, नाल दा बंदा जमना ही नहीं सी,
ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਗਰ ਹੈ, ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਿਆ ਖਾਣ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਗਰ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਿਆ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਭੋ ਚਾਂਭੋ ਬੰਦੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੰਨਾ ਪੁੰਨਣਾ ਸਭ ਤਜੋ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਤੰਨਾ ਪੁੰਨਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਆਵੇ ਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਤਾਣੀਆਂ ਉਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਉਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਣਤੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਜ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਨਣਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜੋ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਂਝ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੰਕ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕ ਰੱਖਾਂ, ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪਹਿਰੋ ਨੀ ਦਗੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਿੰਦਰੇ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਤਲ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਗ, ਪੰਚੋਂ ਲੜਕਾ ਜਾਰਕੈ ਰਹੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਇਹ ਸੰਤਾਨ। ਤੋ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਐਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਗੜਾ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੰਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲੱਗ ਧਾਗਾ ਪਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਧਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਲੱਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲੱਗ ਧਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲੱਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਰਸਿਆ ਪਿਆਰ, ਰਾਮ ਦਰਸਿਆ ਸੰਤੋਖ, ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਵਿਸਰਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਵਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਣਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਧਾਗਾ ਬਾਹੂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਆਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਮਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਲਾ, ਮਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਲਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਜਨੇਊ ਖੱਤਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੈਸ, ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੜੋ ਅਤੇ ਮਰੋ। ਦਿਵਾਲੀ ਇਹ ਵੈਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਖਰੀਦੋ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਲਿਆਓ। ਆ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡੱਬੇ ਲਈ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਠਿਆਈ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਕਰੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬਦਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮਠਿਆਈ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੈਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਛੀ ਮਤ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਲੀ ਦੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਲੀ ਦਾ, ਸਵਾਹ ਪਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾਈ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੇਮ ਗੱਤਕਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ, ਗਰਦੀ ਹੈ। ਓਛੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਹਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਾਂ ਸੁਣ, ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏ ਗੁਰਗਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 15.5 ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, 11 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੈਂਕਾਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ, 8 ਸਾਲ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 140 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, 37 ਸ਼ਿਗਲੀਗੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
66 सेंटर पिंडां 'च खोलिया। मेरे छोटे भी जसवंत सिंह मोरजेंट ये चंगी तरह इस सेंटर जान दिया, वैबसाइट देख सकते हो। असीं पिंडां दे बच्चियां नूं संभालण दा यतन कीता। साढ़े कॉलेज का जो खर्चा है 7 लाख रुपया पर मंथ है, कोई परमानेंट वो आमदन नहीं। संगतां दे सहयोग के नाल हर साल 40-45-50 प्रचार कौम की झोली पाउण दा असीं यतन कर रहे हैं। उस कॉलेज प्रोफेसर सरन सिंह जी धुंदा जिहड़े अजकल बंगला सिंह भी कर रहे थे 11 तक करनगे, होर बहुत सारे नामी प्रचारक उत्थों पैदा होए आ। सिकंदर सिंह ददेड़ तुहाडे कोल आए सन, हरजिंदर सिंह सबराग, यानी कि हर साल असीं चंगे प्रचारक पैदा करके कौम की झोली पा रहे हाँ। खैर ये सारा कार्य जिहड़ा है ये संगतां दे सहयोग नाल चल रहा है। थाईलैंड दीवान की समाप्ति तो बाद दीवान हाल च पिछे बैठे एक नौजवान बच्चा आया, बड़ा खूबसूरत है, 28 साल की उम्र होएगी, मत्था टेक गया, बैग वो कोल है, साढ़े कोल आ के बह गया। मैं सुभावक क्या पुत्र दूसरी मंजिल पर लंगर है, लंगर छक गया। कहता जी मैं छक आया। मेरे नाल का बंदा पुछता भी कितों आए हो, कहता कनेडा तो। नाल का ग्रंथी कहन लगा भी कनेडा तो, कहते मैं नहीं मानता तो कनेडा तो आया होना। कहता क्यों? कहता असं जो सुने भी जो बंदा कनेडा जाता भी पहला पागल आ, सिर मना आ, तू साबत सूरत आ, तू कनेडा तो किवें? वो रोन लग पाया। असं उन्होंने पूछा भी तू करता की है? कहता मैं डॉक्टर हाँ। है कमाल की गल, पढ़िया लिखा बंदा, तू रोन लग पाया। उन्हें जी कहानी सुनाई गुरु प्यार वाले, साडा भी रोन निकल गया। वो कहानी सुन उसकी कहानी बड़ी रोचक सी, बड़ी प्यारी सी, जिसे माँ का किरदार बड़ा उगड़ के सामने आ रहा है। मैं तुहाडे सामने मापे और भैड़ी मत दीआं दो विचार रखीआं ने। कहण लगा भाई साहब जी, मैं गुरु तेग बहादुर मैडिकल कॉलेज अमृतसर तो डॉक्टरी की। कहिंदा पॉइंट बेस से मैनू PR कनेडा दी मिल गई। कहते जो मैं घरों तुरन गया, मेरा बाप मेरे सामने आया, वो कहन लगा मेरे बेटे जून जोगे, आ मेरे खब्बे हथ दे 5-9 देख, सड़क के पत्थर तोड़द्या तोड़द्या और हथौड़े वज वज के मेरे खब्बे हथ दे 5-9 काने हो गए। अजकल हत्थां नाल नहीं तोड़ते, मेरे मशीनी युग है। 40 साल पिछे चले जाओ, 30 साल पिछे चले जाओ, हत्थां नाल तोड़े जाते थे। पर बेटा ही तेन फीस दे के आते रहे हैं। वो कहिंदा मैं बड़े लापरवाही नाल कहा, पिता जी हर मापे अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदे आ, तुसां मैनूं पढ़ाया, किहड़ा वड्डा मारका मारिया है? कनेडा जावांगा, डाटा लियावांगा, मकान बना देंगा, नौकर खा देंगा। कहिंदा मैं बड़ी लापरवाही नाल बाप दे बचना नूं अगनोर कीता है। कहिंदा बाप ढला जिहा हो गया, अख च अथरू जिहा आ गया, फिस पिया। कहिंदा फिर मेरी माँ सामने आई, जिहड़ी अपनी उम्र विच 10 साल पहले बुढ़ी हो गई सी, अखां पिछे झुरड़ियां पईआं, बाहां दा मास तिलकिया होया। कहिंदा मेरी माँ ने अपनी छाती नाल लाया, मैं दुनिया भुल गया। माँ दा प्यार हुंदा है बड़ा प्यारा जी। कहिंदे माँ ने छाती नाल लाया, मैं दुनिया भुल गया। कहिंदी वे मेरे जीवन जोगे डॉक्टर, तेरे बाप दे खब्बे आदे 5-9 है नहीं, तू कनेडा चलिया, तेरे को मंग लगी मंगन। मेरे बेटे तेन मैं सरहद लैके जाती रही, बेटे तेन केसगढ़ खड़िया, बेटे मैं तेन चमकाओ की जूह में लैके खड़िया। मेरे जीवन जो गया डॉक्टर, ये वो जूह आ जिसे कलगीधर पिता के 2 साहबजादे शहीद हुए। ख्याल करियो सफरी साहब दी 4 लाइना ने दिल नूं हिला दिंदियां ने।
डॉक्टर ने गल सुनाई साड़ी अख विच भी अथरू आ गया। मां कहिंदी मेरे बच्चिया वड्डे साहबजादियां दा तैनूं साका सुणाउंदी रही, जिंदगी दे दादिया सुनहरी बाजा वालिया बड़े ही प्यार नाल पुत्तां नूं तूं पालिया, सहग दा जुझार भी पैर खसका लिया, एक बारी घुट के कलेजे क्यों नहीं ला लिया। लगा हुए पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे पुत्रां दी पीड़ ते पंखेरू भी नहीं चलते। जी चाहुंदा भाई जय सिंह कह रहे ने इत्थे प्यार जितला दिया नवाई दी अखीर जेड़ी रस्म नभा दिया, ख्याल करियो पग ला के सीस तो मैं टोल के बना दिया, अद्धी अद्धी दोवे ने सरीना उत्ते पा दिया। आ शेर बड़ा कमाल दा, लखां ही गरीब मापे जग विच पए ने, लखां ही गरीब मापे जग विच पए ने, वह खफड़ बगैर दसो किहदे पुत गए ने। दुनिया ते को है बोले तो समेत जरा अगों ललकार के लैणा के सिंगा मेरे पुत्तां नूं प्यार के वेखना मैदान में जरा निगाह मार के सिंह भी शहीद होए किन्ने जाना वार के, खास छड प्यार पुत्तां दा जता दिया दया सिंगा सिखी जे वो खेवा किदा पा दिया। डॉक्टर कहिंदा मेरी मां प्यार गरवकड़ी में लै के मैनू कह रही है डॉक्टरा तेरे बाप दे पांच नौ है नहीं। मैं पहला बेनती की है मापियां दा देन बच्चे दे नहीं सकते, मां दा देन नहीं दे सकते, मां अद्धी खा लेगी पूरी सानू देगी। डॉक्टरा तेरे बाप दे पांच नौ है नहीं, मेरे हाथां नूं देख लोगां दे झूठे बर्तन माईदियां माईदियां दसे नौ उड़ गए, लोगों के गंदे कपड़े धोंदियां धोंदियां बेटा मेरे नौ उड़ गए पर पुत तैनू फीस दे के आउंदे रहे हैं। आ मैं झोली आ तू कनेडा चलिया तेरे को मंग लगियां मंगन, मेरे बेटे कनेडा जाके डालर दे के किते कलगीधर दी सिक्खी ना गवा दई, किते गुरद्वारा ना भुला दई, जे मां दी भागा वाले दी भावना आ जावे साडे बच्चे पूरे सिख बन जाण। ये कथा सुन के किसे मन च वैराग आ गया गुरुपति भावना आ गई उहदा मैं धनवादी होवांगा, इस पासे जुड़ जावे भागा वाले समझिया जाएगा। कथा भी सवल है किसे ने आख्या दाता तेरा अजीत सिंह नहीं है तेरा जजार सिंह रहा, दाते एको गल कही मेरा अजीत रहे जा ना रहे, मेरा जजार सिंह रहे जा ना रहे, हर घर जो फतेह सिंह दिसना चाहिए है, हर घर विचों जोरावर सिंह दिसना चाहिए है। कहिंदे डॉक्टर कहिंदा मेरे को छे घंटे स्टे सी, मैं सोचिया गुरु दे दीदार कर आवां दर्शन कर आवां, वो गल अजे तक मैं याद है। मावां बड़िया महान ने, इन्हां जिते देन ही दे सकदा उत्थे इन्हां दी कुरबानी जिहड़ी आ साडे प्रति बड़ी है। बेशक मां ने अद्धी रोटी खाधी आ पर अपने बच्चे नूं पूरी दित्ती आ, पर इक नाल सिक्खी दी भी सिक्ख्या दित्ती है। काश जे अज मावां अपनी जिम्मेवारी समझ लैण ते प्यारिओ साडे बच्चे जिहड़े आ उह मुड़ गुरु साहिबां दे घर दे नाल जुड़ सकदे आ। इस प्रचार फेरी दी तुहाडे इस पावन स्थान दे उत्ते गुरु साहिब दे दरबार अंदर दोस्त लोग एक शब्द की विचार की है, भुला मेरिया ने वड्याई गुरु साहब जी की है, कोई शब्द चंगा लगे हिरदे च वसायो, कहण सुन वास्ते बहुत कुछ है। बाणी आप पढ़ दा यत्न करिए विचारीए ते ओ विचार नूं अपने जीवन ते लै के आईए, लोग कहणगे सच्चे मार्ग चलदे आ उस्त करे जहान। बाकी गुरमत ज्ञान मशीकाल दी वैबसाइट पर जाके पिंडां दे प्रचार सेंटर जिहड़े आ उहनां तुसीं लभो, क्योंकि पिंडां दे विच जिहड़ी साडी सिक्खी है साडे बच्चे ने बहुत ज़्यादा नशेई हो चुके ने। मैं इस तत्थां दे बारे ना जावां, असीं इक यतन कीता तुहाडी सहायता नाल अपने पिंडां नूं संभालण दा ते पिंडां नूं संभाल लिया ते असीं दो पीढ़ियां बचा लवांगे, साडे पिंड गवाच गए बच्चे गवाच गए ते गुरद्वारे कौन बैठेगा। इस वास्ते भागा वाले तुहाडे सहयोग नाल ये यतन कीता है, भुला मेरियां वडियाई गुरु साहब दी, गुरु साहब का बड़ा प्यारा वाक है सच्चे मार्ग चलदे आ उस करे जहान, प्यार च भिज गया खो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।